आप सबसे सुना है कि ठाकुर जी पुष्प चुनते हैं, कलियों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वैष्णवाचार्य श्री लखनलाल जी ने कलियों का मुकुट बनाकर ठाकुर जी का श्रृंगार किया। अब देखो, आप यहां पर कह रहे हैं कि ठाकुर जी पुष्प चुनते हैं, कलियों को छोड़ते हैं। हमारे वृंदावन में आओ, ठाकुर जी तुलसी ही पहनते हैं, और तुलसी पुष्प नहीं है, तुलसी कली है। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को आली माने, लागे वृंदावन को। मीराबाई कह रही हूं, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरे तुलसी को आली माने, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को आली माने। दूसरी बात, पुष्प केवल उतनी देर ठाकुर जी अपने पास रखते हैं जितनी देर वो खिला हुआ है। जैसे मुरझा जाता है तो सेवक को आज्ञा कर देते हैं अब इसको दूर करो, पर तुलसी जी का नियम है कि वो मुरझाने के बाद भी, एक बार अर्पित करने के बाद भी धो करके दोबारा चढ़ाई जा सकती है। और यही महादेव के साथ भी है, महादेव को भी पुष्प चढ़ाते हैं लोग, पर महादेव को अति प्रिय क्या है? विल्लो पत्र। और विल्लो पत्र का भी नियम है, आप धो के दोबारा चढ़ा सकते हो, पुष्प को धो के दोबारा नहीं चढ़ा सकते यार। तो पुष्प कौन है? गुणयुक्त भक्त। और कलियां कौन है? निर्गुण भक्त। निर्गुण भक्त जितनी बार चाहो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेंगे, पर गुण वाले को तो ठाकुर जी कभी कभी गुण लेने के लिए लेते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर किनारे कर देते हैं। तो इसलिए गुण होना अति अनिवार्य नहीं है। तो आपने कहा लखनलाल जी कलियों का मुकुट बनाकर ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया, जय जय, आप कृपा करके कोई युक्ति बता दीजिए जिससे संत प्रसन्न हो जाए, भक्त प्रसन्न हो जाए, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना आपका भाव। हमने सारे उत्तर प्रश्न बोलते बोलते ही दे दिए हैं, इनका पालन करो, निर्गुण हो जाओ, जरूरी नहीं। और सबसे बड़ी बात बताएं बंधुओं, आपके पास यदि कोई गुण है तो अधिकतर यहां जितने भी लोग बैठे हैं लगभग अपनी आयु के बहुत श्रेष्ठ समय को आप सब देख चुके हो। अब तक आप सारे गुण संसार को प्रकट करके दिखा चुके हो, संसार को प्रभावित कर चुके हो। अब इस कथा के दक्षिणा रूप में एक चीज दे दीजिए कि कल से अपने सारे गुण ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। आपको गाना आता है, ठाकुर जी को गा के सुनाओ। आपको नृत्य करना आता है, ठाकुर जी को नृत्य करके दिखाओ। आपको भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है, तो कोई माताएं भोजन बनाना जानती हैं तो सबसे पहले पति या पुत्र के लिए बनाती हैं, पर अब ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब आपके पास जो सद्गुण है भी, वह संसार के लोक रंजन के लिए नहीं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत करो। हम तो कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं कथाओं से, अधिकतर सब बच्चे ही हैं। कोई MBBS की पढ़ाई कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हुआ है, कोई अलग अलग फील्ड्स में सब काम कर रहे हैं। तो वो लोग पूछते हैं, महाराज जी हम सेवा, मैंने कि एक काम करो, खूब अच्छी पढ़ाई करके जिस फील्ड में भी आप हो श्रेष्ठ बन जाओ, और आकर के फिर ब्रज की सेवा करो। जैसे दो बालिकाएं हैं, उनको तो वो डॉक्टर बनने वाली हैं, उन्होंने ब्रज में जगह ले ली, अब वहीं क्लिनिक खोलेंगी, और बोली महाराज जी हम ब्रजवासियों की तो 10 रुपये सेवा लिया करेंगी, बाहर वालों के 200 रुपये लिया करेंगी। मैंने कहा हाँ, ऐसी चलाओ, इससे आपकी ब्रज सेवा हो जाएगी। ब्रज की सेवा करो, तीर्थों की सेवा करो, धामों की सेवा करो, वैष्णव संतों की सेवा करो। देखो बड़े बड़े शहर तो अपने आप विकसित हो ही रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में सब अपने आप विकसित हो रहा है। अब आवश्यकता है हमारे तीर्थों को, हमारे धामों को, उनको विकास नहीं चाहिए, पर वहां सब कलियां होनी चाहिए। सुंदर सुंदर डॉक्टर्स भी हों, अच्छे अच्छे अकाउंटेंट्स भी हों, अच्छे इंजीनियर्स भी हों, और वो अपनी विद्या का प्रकार धाम के उत्थान में लगाएं। प्राचीन अयोध्या कैसा था उसको अपनी आधुनिकता से प्रकट करें। इस प्रकार की भावना कभी कभी मन, अब हमारे वृंदावन जाओ,
हम ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, हमने यमुना जी का आचमन ना जाने कितने वर्षों से नहीं किया होगा, हम पी नहीं सकते। यमुना जी का जल हाथ में लो, इतने कीड़े उसमें, कैसे पान करें, बहुत कष्ट होता है। शास्त्र कहते हैं ठाकुर जी सारी लीला यमुना तट पर करते हैं, पर हमने यमुना तट छोड़ा कहां है वृंदावन में। नर्मदा जी जैसे कलकल करती बहती हैं, बहुत सुख मिलता है। गंगा जी को जब देखते हैं तो बहुत सुख मिलता, पर यमुना जी को देख के इतनी पीड़ा होती है। ये बात पता है क्या ठाकुर जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, या की बात मानो। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया जितने लोग यहां बैठे हो, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति यहां बैठे हैं, जितने भी राजनीतिक दल के लोग यहां बैठे हैं, वृंदावन जाना और जाकर के प्रसाद पाके दर्शन करके आना, यह वृंदावन का उत्थान नहीं है। वृंदावन की यमुना जी शुद्ध हो। वृंदावन अब वन नहीं रहा, वृंदावन के सारे वन नष्ट हो गए। आप लोग इसके लिए प्रयास करो। ऐसा लग रहा ठाकुर जी आगे बैठ ही गए, अब उठे ही नहीं रहे। तो ठाकुर जी आकर के मोहर लगा रहे थे बात पर कि हाँ जी हमारी यमुना जी को शुद्ध करवाओ, हमारी पटरानी श्री यमुना जी हैं, ब्रज की रसरानी श्री यमुना जी हैं, यमुना जी की कृपा से वैष्णवों ने ठाकुर जी को प्राप्त किया, आज यमुना जी वहां यमुना जी का जल तत्व है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि कुछ लोग जुड़े, वैसे तो बहुत लोग जुड़े हुए, पर ऐसे कोई लोग जुड़े जो इस चीज में माहिर हो, जो हमको कुछ बता सकें कि व्यास मंच से हम क्या ऐसा कहें, या कैसे आज इतने युवा जुड़े हुए हैं, इन सब युवाओं को ले जाना चाहते हैं वृंदावन जाके, कुछ करें ऐसा कि श्री यमुना जी के शुद्धिकरण का भाव हो। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजधानी बगल में है और राजधानी से ही यमुना जी आती हैं। सारा राजधानी का चरणामृत पीते हैं हम वृंदावनवासी, बहुत कष्ट होता है। फिर भी जो शुद्धि लोग हैं, जो किसी भी रूप में अपनी राय देना चाहते हैं, कल व्यास मंच पर हमारे आने से पहले अपने पत्र भेज दीजिएगा, तो हम पढ़ेंगे, और अपना नंबर और वो सब भी देना। फिर हम कुछ ना कुछ प्रकल्प करना चाहते हैं कि श्री यमुना जी के लिए कुछ हो, क्योंकि ब्रज में बाकी सबका उत्थान हो रहा है लेकिन यमुना जी का नहीं हो रहा है। मौका दिया है ठाकुर जी ने, वाणी दी है, और समय भी ऐसा है कि युवा जुड़ते जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना इस सही समय का उपयोग सेवा करके किया जाए। कथा सुनना हमारी एक प्रायोरिटी है, यहां से हम भक्ति भाव सीख रहे हैं, पर सेवा के लिए हम केवल ठाकुर जी के विग्रह को सजाएं धजाएं, लीला वो सब एक भाव है, पर धाम की सेवा हो कैसे भी। तो ये मन का भाव है। फिर किसी का भाव है कि किन्हीं का प्रश्न है कि अगर कृष्ण से मेरा संबंध एक सखा के रूप में है तो मैं उनको पूजा कैसे कर सकता हूं, कौन मित्र अपने मित्र की पूजा करता है। कृपया इसका जवाब आप व्यासपीठ से ही दे दें। एक हमारी बात सुनो, पूजा का मतलब क्या होता है, आप पूजा का मतलब क्या समझते हैं। पूजा का मतलब किसी को केवल धूप अगरबत्ती दिखाना, उसकी सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, इसी को पूजा कहते हैं। आप घंटी तो हिलाते हैं, पूजा तो करते हैं, अर्चना तो करते हैं, पर अपने आराध्य के प्रति प्रीति नहीं है तो आपकी पूजा तामसी है। पूजा का मतलब किसी को पूजना नहीं होता, पूजा का मतलब समर्पण होता है किसी के प्रति। और ये आपका सखा के प्रति भी हो सकता है, मित्र के प्रति भी हो सकता है, पत्नी के प्रति भी हो सकता है, पति के प्रति भी हो सकता है, माता पिता के प्रति भी हो सकता है, गुरु के प्रति भी हो सकता है। कल एक ने मुझसे प्रश्न भी किया कल रात को, एक बालिका ने, कि महाराज जी लोग आपको पूछते हैं, आप उनको मना क्यों नहीं करते। अब हम मन में ये सोचें कि भाई कौन सी पूजा कराई, पूजा तो खैर नहीं कराते कभी भी, लेकिन हाँ लोग माला तो पहनाते हैं,
लोग वंदन तो करते हैं, पांव हम छूने नहीं देते। कल तो हमारे पांव में ऐसा कट मारा किसी ने, ऐसे नाखून गाड़े, बताओ आपको हंसी आ रही है? हमारे खून ने करे आए हो आप हंस रहे हो? तो कोई पसंद थोड़ी है, कोई चाहते थोड़ी है कि सब पूजा करें, पर किसी के प्रति समर्पण आ जाना। और समर्पण जब आता है ना, तो फिर व्यक्ति चाहता है कि मैं इनको कुछ दे दूं। अब वो कुछ और तो दे नहीं पाता, तो पुष्प ही ले आता है, कोई चित्र बना लाते हैं बच्चे हमारे, कैसे हाउ बिलाऊ चेहरा बना के लाते हैं। कभी कभी देखने में लगता है कि मैं इतना भयानक भी हूं। लेकिन आप सबके भाव को प्रणाम, आप लोग तो भाव से ही बनाते हो। हमारी माता जी बहुत परेशान है, क्योंकि पूरा घर चित्रों से ही भर गया है, इतने चित्र बन गए हैं। और कभी कभी तो मैं खुद देख करके आश्चर्य में पड़ जाता हूँ, क्योंकि कोई राका डॉन से कम नहीं लग रहा होता कई चित्रों में तो। और कई बार तो दाढ़ी, बीच में एक महीना की कथा थी, तो नियम में था, मैं कुछ करता नहीं था, तो वो इतना भयानक बने हैं उसके तो मैं क्या बताऊं। तो पूजा का मतलब समर्पण होता है। समर्पण में हम कुछ निवेदित नहीं कर सकते, तो हम पुष्प निवेदित करते हैं, हम प्रसाद निवेदित करते हैं, हम आरती कर देते हैं। आप सखा को भी समर्पण के भाव से उसकी पूजा ही कर रहे हो। पूजा की बाह्य विधि है अर्चना करना, पूजा की बाह्य विधि है भोग लगाना, पूजा की बाहर की विधि है दिन रात अगरबत्ती दिखाना, पूजा की आंतरिक विधि है समर्पित होना, समर्पण करना। और समर्पण तो किया जा सकता है सखा को भी। इसलिए आपका जो ये प्रश्न है कि आप कृष्ण को सखा मानते हैं तो उनको पूजें कैसे, एक बात सुनो, ठाकुर जी से चाहे आपके जितने संबंध हो, कभी कभी मां भी अपने बालक की नजर उतारती है, कभी कभी क्या सारी माताएं उतारती हैं। वो नजर उतारना एक प्रकार की आरती होती है, बस हम दिया जला नहीं रहे हैं उस समय, नहीं तो आप जो 7-8 बार उबार रहे हो उसके ऊपर, वो एक प्रकार की आरती, आरती भी तो यही है, हम ठाकुर जी की नजर ले रहे हैं। आपको किसी की नजर गुजर ना लगी हो, और नजर किसकी उतारी जाती, जिसके प्रति प्रेम हो, जिसके प्रति समर्पण हो, तो समर्पण पूजा है, आरती पूजा नहीं है। और रही बात सखा की, आपसे कोई भी संबंध हो ठाकुर जी का, आप समर्पण भाव से, हम अपने लाल जी को अपना सखा मानते, और भी कई भाव रखते, पर जब वो आते हैं कभी कथा में या आरती करते हैं, आरती करने के बाद फिर राई नॉन लेंगे हाथ में, किसी से दक्षिणा लेंगे हाथ में, और फिर ठाकुर जी के ऐसे आरती उतारते हैं, और आरती उतारने के बाद फिर उसकी थोड़ी राई अपने सिर पर डाल लेते हैं, जो पैसा होते हैं वो किसी को दे देते हैं, और जिसको भी दिया उसके खूब फले फिर, और फिर ठाकुर जी की बलैयाँ लेते हैं, आपको कोई की नज़र ना लगी हो, आप सब, यही तो समर्पण है। जब विशिष्ट उत्सव होता है, जैसे अभी गोवर्धन उत्सव होगा, तो उस दिन पता कैसे आरती करते हैं ठाकुर जी की, थाल में आटे का चंद्रमा बनाएंगे, आटे का सूरज बनाएंगे, और ठाकुर जी की आरती करके फिर चंद्रमा से बलियां लेंगे। अब चंद्रमा तो ला नहीं सकते, तो फिर एक भाव का चंद्रमा, फिर सूर्य भाव का रखेंगे, उससे बलियां उतारेंगे, फिर कई बार तारे बनाते हैं, तो तारों से ठाकुर जी की बलियां लेते हैं, आपको तारों से आपकी बलियां ले रहे हैं, सूर्य चंद्रमा से आपकी नजर उतार रहे, ना था आपको कोई की नजर नहीं लगी, ये समर्पण है, ये पूजा पूजा नहीं है। तो जो सखा मानते हैं वो इस प्रकार से ठाकुर जी को पूजो। तो ये सब भाव हैं, आज के कुछ प्रश्न थे, सबको हम वंदन करते हैं और कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, गिरधारी पायो है नाम बनवारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। अभी भोपाल आने से पहले शरद उत्सव था गिरिराज जी में, 4 दिन की कथा थी, तो शरद पूर्णिमा वाले दिन एक भाव मन में आया, वैसे मैं कहता ही हूं इस भाव को, कि व्यक्ति जब भार की वस्तु उठाता है,
बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, जब आप कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो आपने घुटने भी मुड़ जाते हैं, आपकी कमर भी झुक जाती है, आपका मुंह भी जो है आपस में बंद हो जाता है और आप टेढ़े मेढ़े से हो जाते हो। पर हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी बिल्कुल सीधा उठाया है इन्होंने, ये बिल्कुल टेढ़े नहीं हुए गिरिराज जी उठाने में। ठाकुर जी गिरिराज जी कैसे उठाते हैं, कभी श्रीनाथ जी का दर्शन करो, दोनों पाम सीधे, कमर भी सीधी, छाती भी सीधी, मुख भी सीधो, केवल हाथ ऊपर करके ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, बिल्कुल टेढ़े नहीं हुए। और 40-50 ग्राम की 100 ग्राम की बंसी उठावे में पांव टेढ़े कर लिए, कमर टेढ़ी कर ली, मुख भी टेढ़ो कर लियो, और बिल्कुल बांके है गए। क्यों? कल वाली बात पुनः दोहराऊं, प्रभाव और स्वभाव। श्री गिरिराज धारण करने में ठाकुर जी का प्रभाव दिख रहा है, ऐश्वर्य दिख रहा है, और ऐश्वर्य पर ज्यादा ठाकुर जी का प्रकाश नहीं होता, इसलिए ठाकुर जी सहज भाव से खड़े हो गए। लेकिन वंशी धारण ठाकुर जी स्वभाव युक्त होकर के करते हैं, वंशी धारण ठाकुर जी सबको अपनी ओर बुलाने के लिए करते हैं, सबको आकर्षित करने के लिए करते हैं, सबके चित्त में प्रेम प्रवाह के लिए करते हैं। तो वहां ठाकुर जी छोटी सी वंशी को धारण करने के लिए दो भुजाओं का प्रयोग करते हैं, अपनी अधर पर उसको सुलाते हैं, पाम ठाकुर जी के त्रिभंग हो जाते हैं, कमर भी टेढ़ी हो जाती है और ठाकुर जी मंद से झुक जाते हैं, मानो जैसे कितना भार पड़ रहा हो। तो भार नहीं पड़ रहा है, प्रेम के आगे ठाकुर जी नतमस्तक हो रहे हैं, प्रेम के आगे ठाकुर जी त्रिभंगी हो रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी वंशी ऐसे धारण करें। गिरिराज जी बिल्कुल सीधे धारण करते हैं, हम लोग उल्टे हैं, हम लोग प्रभावशाली भाव को ज्यादा प्रकाशित करते हैं और अपने स्वभाव को गौर रख लेते हैं, स्वभाव को गोपनीय कर। और आजकल तो बड़ा, जब से सोशल मीडिया का टाइम आया तब से अलग हो गया है, अब व्यक्ति स्वभाव को भी प्रभाव में ला करके प्रकाशित कर देता है। दया दान गुप्त करने वाले भाव हैं, पर वो भी सब प्रकाशित करते हैं, उसको लोग प्रकाश में ले आते हैं, सेवा को लोग प्रकाश में ले आते हैं। हम अपने गिरधर लाल जी का नित्य चित्र नहीं डालते कहीं पर भी, बहुत कभी कभी मन हुआ तो डाल देते हैं। क्यों? अरे हमारे निज ठाकुर जी हैं, निज हमारी संपत्ति सबको क्यों दिखाएं रोज? हाँ, कोई दर्शन करने आए तो आके कर जाओ, पर रोज क्यों दिखाएं ठाकुर जी? कुछ निजता होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया के टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा प्रकाशित हो गए हो, अपनी थोड़ी निजता रखो। कई बार इस बात पर भी लोग हमसे प्रश्न करते हैं, बोला आप कह रहे हो निजता रखो, आपकी भी तो हर समय कुछ ना कुछ डलता ही रहता है, कथा से संबंधी ही डलेगा ज्यादा से ज्यादा, आजकल कभी कभी खेलने जाते हैं उसका डल जाता है, लेकिन वो दोनों बात, युवा बहुत है ना, तो युवाओं को कुछ प्रेरणा मिले उसके लिए, बाकी हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, पाम टूट गया, ओहो फ्रैक्चर हो गया, मैंने देखो पलस्तर लगवा के आया, डॉक्टर ने ऐसा, क्यों जरूरी है ये सब करना? इन सब का प्रकाश नहीं होना चाहिए, अपने जीवन में थोड़ी निजता लाइए। हमारे प्राचीन भारत में लोग बहुत गोपनीय रहते थे, और विशेष रूप से भजन तो गोपनीय ही करना चाहिए, उसका प्रकाश नहीं ज्यादा, थोड़ी निजता लाओ, और कम से कम स्वभाव को तो निज ही रखो, वो निज जनों को ही दिखना चाहिए, सबको नहीं। हमारे वृंदावन में किशोरी जी घूंघट में बैठी हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, निज भाव में, क्यों? ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप है। तो गोवर्धन धारण किया ठाकुर जी ने, तत्पश्चात इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, और इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दंड हिताय शिक्षा तनुभी समीह से
मानं विधुन्वल जगदीश मानिना। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी कि मैंने 7 दिन तक वर्षा की, आप खड़े रहे। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। ब्रह्मा जी से भी एक अपराध हुआ था, कल मैंने शीघ्रता में वो प्रसंग सुनाया नहीं, पर आप सबको शायद पता हो कि ब्रह्मा जी को एक बार ठाकुर जी पर संशय हुआ। भगवान ने क्या किया, मधुमंगल के मुंह पर लगी भाई कड़ी चाट गए अपनी जीव से, वहां के मुंह को पकड़ के चाट गए। ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, जे भगवान है, ये परमात्मा है। वो ग्वारिया मधुमंगल, वो नहाता भी नहीं ढंग से, वहां के मुंह पर लगी भाई कड़ी चाट गए अपनी जीव से। और ठाकुर जी पर संशय करके ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया। अब ठाकुर जी के ग्वाल बाल हरण कर लिए, भगवान यमुना स्नान करके आए, देखा मेरे ग्वाल बाल कहां गए। दिव्य दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। तो ठाकुर जी ने अपने भीतर से ही उतने ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सब प्रकट कर दिए। बोले ब्रह्मा को तो मैं बताऊंगा। एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी देखने आए कि मैं देखूं वो बहलूपिया बना डोल रहा है भगवान, उसकी स्थिति कैसी हो रही होगी बिना ग्वाल बालों के। तो ब्रह्मा जी जैसी पृथ्वी पर आए तो जितने ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी लगे सब घूम रहे थे नीचे। ब्रह्मा जी बोले इनका तो मैं हरण कर ले गया था, ये नीचे कहां से आ गए। समझ गए, बोले ये तो परमात्मा है, इन्होंने स्वयं से प्रकट कर दिए सब। क्षमा मांग लूं मैं जाकर के, लेकिन खाली हाथ नहीं, जिनका हरण करके ले गया उनको संग लेके आता हूं, फिर क्षमा मांगूंगा। अब ब्रह्मा जी यहां पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा जी बनकर के भगवान गए और ब्रह्मलोक में जाके सबसे कह दिया, हमें अभी अभी खबर मिली है हमारे जैसा एक और ब्रह्मा डोल रहा है, अगर वो आ जाए तो उसको मारपीट के भगा देना। और ठाकुर जी जाकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। इतने में ब्रह्मा जी आए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपाल तो लिए डंडा लेके भागे उनके पीछे। ब्रह्मा जी बोले तुमको शर्म नहीं आती, ब्रह्मा के पीछे भागते हो। बोले तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत डोलते हैं भैलूपिया, चल भाग यहां से, हमारे असली ब्रह्मा तो भीतर बैठा है। तो ब्रह्मा जी स्वीकार कर लेते हैं अंत में कि मैं नकली हूं, मुझे असली का दर्शन कराओ। तो ब्रह्मा जी को लेकर के जब ब्रह्मलोक में गए तो सबको तो सिंहासन पर ब्रह्मा जी दिख रहे थे, पर ब्रह्मा जी को साक्षात नारायण दिखे। और जाकर के उन्होंने भगवान की स्तुति गाई, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। हे नाथ, आप साक्षात विशुद्ध हो, मेरे अंदर अपराध प्रकट हो गया, मैंने आपके रूप को नहीं समझ पाया, मैं आपके भाव को नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी ने खूब लंबी स्तुति गाई, पर ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। आज इंद्र को क्षमा कर दिया। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं क्यों, जबकि ब्रह्मा इंद्र से बड़े हैं, ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। बोले दोनों की क्रिया में अंतर है। इंद्र की जो क्रिया है उसमें सब ब्रजवासी ठाकुर जी के समीप आ गए, और ब्रह्मा की जो क्रिया है उससे ब्रजवासी दूर हुए। ब्रजवासी यानी कि भक्त, जिस क्रिया से सब ठाकुर जी के सामीप्य में आ जाएं, वो क्रिया ठाकुर जी को प्रिय लगी, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा ने तो ठाकुर जी के वैष्णव जनों को दूर किया, इसलिए ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। इंद्र को आज ठाकुर जी ने क्षमा किया, और इसी समय भगवान का नाम पड़ा क्या, इंद्रेश। इंद्रस्य ईश्वरः इति इंद्रेशः, जो इंद्र के स्वामी हैं, इंद्र को भी अपना दास बनाते हैं, उनका नाम पड़ा फिर इंद्रेश। और यहीं से हमारे पिताजी ने हमारा नामकरण किया इंद्रेश। और एक बात देखो, ये भी एक संयोग है कि हम रामानुज संप्रदाय के, हमारे इष्ट सामने बैठ के कथा सुनते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण, पर हमारी सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल, और वो गिरधर कौन है, वही तो इंद्रेश है। इंद्र के ईश कब बने, जब गिरिराज जी धारण किए। तो ये एक कोई और एक पंक्ति में गाता हूं ना कथा में, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर हो।
नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। एक बात प्रमाणित मान लीजिए, आपको कथा अगर सात दिन में, हम कह रहे हैं सात दिन में तीन घंटा की कथा में एक मिनट भी आपका मन कथा में लग गया हो और वो एक मिनट की कथा में आपके रोंगटे खड़े हो गए हो, वो एक मिनट में आपके नेत्र सजल हो गए हो, मन को अत्यंत आह्लाद हो गया हो, तो यह बात स्वीकार कर लीजिए कि आपका पूर्व संबंध ठाकुर जी से कुछ तो है, जो आपको वो बात प्रिय लग गई, वो भाव प्रिय लग गया, वो क्षण प्रिय लग गया। कैसे? हमने ठाकुर जी को देखा तो है नहीं, हम ठाकुर जी से मिले तो है नहीं, ठाकुर जी से कभी हमारा संवाद तो हुआ नहीं, फिर यह कथा इतनी प्रिय क्यों लगती है? वृंदावन जाकर के वह धाम क्यों प्रिय लगता है? वृंदावन के वैष्णव संत जनों को देख करके उनके सामने सब समर्पित करने की इच्छा क्यों प्रकट हो जाती है? वृंदावन के प्रसाद को लेते समय कंठ इतना आनंद में क्यों आ जाता है? कथा सुनते सुनते नेत्र सजल क्यों हो जाते हैं? संबंध तो है ठाकुर जी से, कोई अपराध हमसे छोटा सा बन गया होगा जिसके कारण ठाकुर जी ने पुनः मानव बना करके भेज दिया, और आज मानव बनकर के हम अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, पर जब कथा सुनी, जब सत्संग सुना, जब किसी संत रसिक की वाणी सुनी, तो वाणी सुनकर के मन आह्लादित हो गया, मानो हम तो भूल गए कि हमारा पूर्व संबंध क्या था ठाकुर जी से, पर हमारी चेतना को याद है, हमारी आत्मा को स्मृति है कि नहीं, ठाकुर जी से कुछ तो संबंध है, कोई तो भाव। तो निश्चित ही हम कोई ठाकुर जी के पूर्व के सेवक रहे होंगे, हम ठाकुर जी तक तो कहां हमारी गति पहुंची होगी, दासानु दासो भवतास्म भूय, ठाकुर जी के सखाओं के जो दास रहे होंगे, उनके दासों के दास जो रहेंगे, उनके दासों के दासों के किसी के दास तो रहे होंगे, कोई अपराध के कारण ठाकुर जी से विलग हो गए, पुनः जन्म हुआ, परंतु इस जन्म को सार्थक कर दिया, और हम मानते हैं कि हमारा जन्म सार्थक हो रहा है, क्यों? हम जो सेवा कर रहे हैं ये ठाकुर जी ने दी है, बस हम एक ही आशीर्वाद मानते हैं ठाकुर जी से, या के अलावा हमसे कोई काम बने ही नहीं पाए, बाकी सब काम में हम फिसड्डी रह जाएं, बस कथा हमसे हो पाए, और कोई काम के नहीं रहे, बस नाथ जीवन भर जब तक श्वास है, जब तक वाणी है, जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, तब तक ये कथा करते रहें, बस अपने जन्म को सफल कर दें इस कथा के माध्यम से। तो संबंध सबका है ठाकुर जी से प्राचीन, जिनका नहीं है वो कथा बाहर से पंडाल देख के भी निकल जाते हैं, जिनका नहीं है वो बगल में रहते हुए भी नहीं आ पाएंगे यहां पर, और जिनका है वो मंडी दीप से भी आ जाएंगे, जिनका है वो इंदौर से भी आ जाएंगे, जिनका है वो वृंदावन से भी आ जाएंगे, जिनका है वो विदिशा से भी आ जाएंगे, जिनका है वो सागर से भी आ जाएंगे। ये बात निश्चित है कि आप अपनी इच्छा से प्रेम ठाकुर जी से नहीं कर सकते, किसी के बताने से आपको प्रेम नहीं होगा ठाकुर जी से, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होगा कब? जब ठाकुर जी आपको प्रेम भरी दृष्टि से देख लेंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो ही उनसे प्रेम हो सकता, नहीं तो नहीं। हम संसार में व्यवहार में किसी से मिलते हैं और उससे अगर हमारा सहज प्रेम या प्रीति या मन जुड़ जाए तो हम लोग सहज कह उठते हैं, भाई तेरे से कोई पुराना संबंध तो है हमारा। कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वो सखा के रूप में आवे, चाहे वो गृहिणी के रूप में आवे, चाहे वो कोई नहीं, तो कथा में बैठे हैं तो बगल में बैठा वाला व्यक्ति श्रोता है, कथा में ही मिले हैं, लेकिन उसके प्रति भी वो सहज एक संबंध जैसा अनुभव होता है, तो हम सहज कह उठते हैं कि
हमारा कहीं पूर्व का संबंध तो नहीं। तो ठाकुर जी के प्रति भी जब आपका यह स्नेह प्रेम बढ़ता है ना, तो वहां भी इस बात को लागू कीजिए, आप कोई तो थे ठाकुर जी के समय पर। किसी को भी उठा लीजिए, मीराबाई माधवी नाम की गोपी थी द्वापर में, सूरदास श्री उद्धव जी महाराज, आपको पता है उद्धव जी ही सूरदास बनकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के निभृत निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है, केवल ठाकुर जी और किशोरी जी लीला कर रहे थे। ललता विशाखा द्वार रोक करके खड़ी हैं कि कोई भीतर ना जाए, तभी उद्धव जी महाराज आ गए, उद्धव जी भगवान के सखा। तो उद्धव जी महाराज जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे, ललता विशाखा ने रोका, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, बोले ठाकुर जी निवृत्त निकुंज में बैठे हैं, यहां किसी का प्रवेश नहीं है। उद्धव जी बोले, निवृत्त निकुंज हो या कोई सी निकुंज हो, हमारा प्रवेश सब जगह। ललता विशाखा बोली, उद्धव अपनी द्वारिका में चलाना या मथुरा में चलाना, ये वृंदावन में नहीं चलेगी तुम्हारी, वृंदावन में सखियों की चलती है, हमारी इच्छा से ठाकुर जी पाते हैं, हमारी इच्छा से सोते हैं, हमारी इच्छा से चलते हैं। उद्धव जी बोले, ठाकुर जी को अगर पता चल गया ना कि द्वार पर उद्धव आया है, अपनी सब लीला वीला छोड़ के आ जाएंगे बाहर, इतना प्रेम करते हैं मुझसे। ललता विशाखा बोली, वो सबसे ऐसे ही स्नेह बांध देते हैं, सबको ऐसे ही लगता है कि वो सबसे ऐसे ही प्रेम करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो ब्रज के लिए उनका अलग ही भाव है। उद्धव जी बोले, देखिए मेरा समय खराब मत करो, मुझे भीतर जान दो। ललता विशाखा ने मना किया, उद्धव जी हट पूर्वक निकुंज में प्रवेश कर गए। तो सखियों ने उनको शाप दे दिया, बोले जा तो जाओ, तुम हट पूर्वक जा रहे हो भीतर, लेकिन हमारा शाप है कि तुम नेत्रहीन हो जाओगे, कुछ नहीं दिखेगा तुमको भीतर। उद्धव जी भीतर चले गए और भीतर जाकर के जब उन्होंने देखा तो निकुंज दिख रहा है, यमुना जी दिख रही है, सेज दिख रही है, ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही, पर ठाकुर जी नहीं दिखे। तो उद्धव जी महाराज ठाकुर जी क्या, मुझे आप दिख क्यों नहीं रहे हो? बोले उद्धव, ये सखियां सामान्य गोपियां नहीं है, ये गैया चराने वाली, गोबर थापने वाली, दूध निकालने वाली, इनको तुम सामान्य गोपी मत समझो, ये वेद की ऋचाएं हैं, ये दंडकारण मन के संत हैं, कितनी तपस्या करके गोपी बनकर के आई हैं, और इनकी बात सत्य है, निवृत्त निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है इनकी आज्ञा के बिना, और तुम चले आए। ठाकुर जी, मैं तो देख ही नहीं पा रहा। बोले कोई बात नहीं, अब इसका लाभ कलयुग में तुमको जीवों को देना है, तुम ही सूरदास बन के आओगे, नेत्र नहीं होंगे, पर बिना नेत्र के भी मेरी उन उन लीलाओं का दर्शन करोगे जो नेत्र वाले भी नहीं कर पाए, और उन लीलाओं को लिख करके तुम पूरे जग को मेरे भाव से आस्वादित कराओगे। वही उद्धव जी सूरदास बन के आए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ललिता जी के अवतार, ललिता जी थी। विशाखा जी हरिराम व्यास बनकर के आए। हितरिवंश महाप्रभु पूर्व में वंशी हैं ठाकुर जी के। कोई भी ऐसा नहीं है ठाकुर जी के आसपास या ठाकुर जी से प्रीति करने वाला जिसका पूर्व संबंध ना हो, और यह आज भी लागू है ये बात, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। हां हम इतने समीप के नहीं रहे होंगे, पर हां कभी तो ठाकुर जी को देखा होगा या कुछ ना कुछ संबंध तो हमारा रहा होगा, तभी इस जन्म में हमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं। कैसे कैसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कभी वृंदावन नहीं गए, जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, पर एक बार केवल कोई संकीर्तन सुन लिया या कोई कीर्तन सुन लिया या कोई भजन सुन लिया, नेत्र सजल हो गए, अब मन शांत हो गया, ना बोलने की इच्छा होती है ना किसी से मिलने की, अब बस मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि हम चलें वृंदावन, जाएं वृंदावन। वृंदावन आधुनिक स्थान नहीं है, वृंदावन पर्यटन स्थान नहीं है, वहां पर्यटकों के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी भीड़ देखो आप, पर्यटक स्थलों पर इतनी नहीं होती होगी जितनी वृंदावन में होती है, सब भाव से जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी से कोई तो संबंध है। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, आगे भगवान की लीला बढ़ी और
एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। कितने लोग एकादशी करते हैं? सच्चे वाले बताओ, सच्चे वाले हैं सब, बहुत अच्छी बात। तीन निष्ठाएं पालन किया कीजिए कृष्ण भक्त। सबसे पहले तुलसी निष्ठा, तुलसी धारण करो। दूसरी नाम निष्ठा, नाम जप में प्रवीण हो जाओ। और तीसरा एकादशी निष्ठा। ये तीन निष्ठा प्रधान। तुलसी धारण करने वाले ध्यान रखना, फिर कुछ भी ऐसा पाना नहीं जो तुलसी धारण करने के बाद अपवित्र हो। आप फिर कुछ भी ऐसा खा पी नहीं सकते, इसलिए तुलसी निष्ठा में थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्रत में भार का अनुभव जैसे ही होता है ना, व्रत टूट जाता है। आप व्रत करते समय अगर मन में ये विचार करते हैं, आज तो एकादशी है, द्वादशी में इतना पा लिया कि भूखे ही नहीं लगे अगले दिन, ऐसा व्रत नहीं। व्रत को सौभाग्य मान करके धारण करो, वो सौभाग्य है मेरा। कई बार कई लोग व्रत रखते हैं तो व्रत के समय कोई और अगर अन्न पा रहा हो तो उससे दूर उठ के बैठ जाते हैं। क्यों? इसकी थाली देख के हमारा मन नहीं करावे। आप किसी की थाली देख के जब आपका मन करता है तो भी व्रत टूट जाता है। एकादशी के प्रति ऐसा ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो आपका सौभाग्य है, आप उसको राजी राजी खुशी होकर के उत्सव मना करके एकादशी करते हैं। आज हमारे ठाकुर जी के लिए हमने व्रत रखा है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। और चावल तो पूर्ण अन्न होता है, इसलिए चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। वृद्ध लोग, बालक और बीमारों को छूट है, लेकिन वह भी केवल रोटी पाए, चावल नहीं पाए। दूसरी बात, एकादशी यदि आप रखते हैं और एकादशी के दिन कोई धाम का प्रसाद लेकर के आपके घर आ जाता है, तो प्रसाद के प्रति ये भावना मत रखो आज तो एकादशी हम कल पाएंगे। नहीं, आपकी एकादशी प्रसाद से ऊंची नहीं है। अगर कोई प्रसाद लेकर के आया और प्रसाद में अन्न है, कोई धाम का प्रसाद लेकर के आया, आसपास के मंदिर का भी अगर आया है तो उसको भी प्रणाम कर लो, पर धाम का यदि प्रसाद आया है तो धाम के प्रसाद गुरु साक्षात गोविंद आए हैं आपके घर, उनको आपको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। अब लोग इसमें कहते हैं उसमें भी तो अन्न है। देखो, प्रसाद वस्तु नहीं है, प्रसाद अन्न नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। दोष अन्न में होता है, प्रसाद में नहीं। अब लोग आगे इसमें अब और भी भावना कर सकते हैं, हम अपने घर के ठाकुर जी का भोग लगा देंगे तो वो भी तो प्रसाद बन गया, तो पा ही सकते हैं हम उसको। पर कहीं ना कहीं आप उसको अपनी ऊर्जा के लिए पा रहे हो ना, आप उसको पूर्ण रूपेण प्रसाद समझ करके तो नहीं पा रहे। आप घर में भी जो भोजन करते हैं वो ऊर्जा के लिए करते हैं, और ऊर्जा के लिए किया गया भोजन होगा, वो प्रसाद नहीं है। हाँ, आपने ठाकुर जी को निवेदित करके पाया है। घर के ठाकुर जी को प्रसाद, यदि वैसे तो एकादशी पर भी ठाकुर जी को तो अच्छे पकवान ही पवाने चाहिए, पर उसका भी आप तिनका ले सकते हो। ऊर्जा संचार के लिए, अपने देह के स्वास्थ्य के लिए और जो भी क्रियाओं के लिए जो आप पा रहे हो उसमें आपको व्रत ही रखना चाहिए, एकादशी व्रत। भगवत प्राप्ति का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है, उसको करना चाहिए। तत्पश्चात अब आगे रासपंचाध्याय प्रारंभ हो रहा है। सब लोग बिल्कुल अब सावधानी से बैठो। श्रीमद् भागवत का प्राण धन श्री रास, जो अभी निकल करके गई शरद पूर्णिमा, वही प्रसंग है, पर हम ज्यादा विस्तार ना करके उसको भी सूक्ष्म में ही कहेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः।
ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं, बंधुओं ये दिखने में एक गोपी है, एक शरीर है, एक मानव है, परंतु अंतरंग आत्मा जो है वो सदा सर्वदा से भगवत प्राप्ति करने वाला कोई वैदिक संत है जो कब से प्रतीक्षा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। सतयुग त्रेता द्वापर तीन युग जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए व्यतीत कर दिए तप में, ठाकुर जी ने कृपा करके द्वापर में उनको गोपी बना करके प्रकट किया ताकि उनको ठाकुर जी वह सुख दे सकें जो तीन युगों में उन्होंने तप करके नहीं भोगा है। ब्रज के गोपी भाव को समझना बहुत मुश्किल है, लोग बाग उसको सामान्य स्त्री पुरुष का प्रेम समझ लेते हैं और यहीं पर दोष उत्पन्न हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों से लगी हुई यह सब गोपियां, ये कोई ऋषि हैं पूर्व जन्म की जो कितने जन्मों से तप कर रही हैं, तब जाकर के इनको सौभाग्य मिला कि ब्रज की गोपी बन करके आई। और सबसे बड़ी बात, 3 वर्ष के ठाकुर जी को देख करके 90 वर्ष की गोपी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इसको आप सामान्य स्त्री पुरुष प्रेम जन्य नहीं मान सकते। ये काम प्रेम नहीं है, ये काम वर्धक प्रेम नहीं है, ये काम नाशक प्रेम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्तिमती मीराबाई। मीराबाई इतनी सुंदर थी कि उनका रूप देखकर के एक बार यदि कोई देख ले तो पुनः देखने की इच्छा होगी, इतनी सुंदर थी। तो जब मीराबाई की भोजराज के साथ में विवाह हुआ और जब मेवाड़ गई तो मेवाड़ में मीराबाई जिस राजमहल में रहती थी उस राजमहल में जिस तरफ मीराबाई का कक्ष था वहां खिड़की के नीचे हजारों संतों की भीड़ लगी रहती थी और सब एक एक टक देखते रहते थे खिड़की की ओर। मीराबाई तो राजघराने की कन्या है, वो दर्शन देने की भावना से नहीं जाती थी, दर्शन करने की भावना से जाती, पर मर्यादा है इसलिए बाहर नहीं जाती थी, तो खिड़की खोल करके ऊपर से प्रणाम करती थी और सब संत मीराबाई को देख करके नेत्रों से अश्रु बहाने लगते थे। तब कुंवर भोज जिनसे मीराबाई का विवाह हुआ उनके मन में भाव आया कि मैं संतों से पूछूं ये इनकी स्थिति ऐसी कैसे होती है। तो वे गए और संतों से जाकर के पूछने लगे कि आप मीरा को क्यों देखते हो और मीरा को देखने से आप सबको क्या मिलता है। तब संतों ने प्रत्युत्तर देकर के कहा कि 5-5, 10-10 वर्ष तक भजन करने के बाद भी ठाकुर जी इतने प्रिय नहीं लगे जितने प्रिय मीराबाई को एक बार देखने से लगने लगे। एक बार मीराबाई को देखने के बाद ठाकुर जी इतने प्रिय लग गए जितने प्रिय 10 वर्ष के भजन में भी नहीं लगे, इसलिए हम मीराबाई को देखते हैं। तो मीराबाई का स्वरूप सुंदर था पर उनकी सुंदरता काम प्रकट नहीं करती थी बल्कि दोष नाश करके भगवत प्रीति प्रकट करती थी, ऐसी सुंदर थी। और वास्तविक में सुंदरता वही है। एक बात हमें बताइए, किसी वस्तु विशेष को देख करके आपके मन में पाप प्रकट हो वह वस्तु कितनी भी अच्छी हो वह शुद्ध नहीं है। जिस वस्तु व्यक्ति या फिर स्थान को देख करके आपके चित्त में पुण्य प्रकट हो, ठाकुर जी प्रकट हो, वो सुंदर है, वो श्रेष्ठ है। वो सौंदर्य कैसा, वो रूप कैसा, वो यौवन कैसा जिससे काम प्रकट हो। रूप तो वो जानो, सौंदर्य तो वो जानो, आकृति तो वो जानो जिसे देखने से वो ना दिखे ठाकुर जी दिखे, वो ना दिख करके ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े। ब्रज की गोपियों को ठाकुर जी प्रियतम दिखते हैं अपने और ठाकुर जी को देखने से उनके विकार नष्ट होते हैं, इससे ये बात उनको सिद्ध हो जाती है कि सामान्य बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा, साक्षात परब्रह्म है। इसलिए भगवान के रास में आने वाली गोपियों की आयु आबाल वृद्ध बनेता, छोटी से छोटी बालिका और वृद्ध से वृद्ध मैया भी ठाकुर जी के संग रास में है। वृंदावन के गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक ग्रंथ में कहीं वर्णन है 3.5 करोड़ गोपियां थी रास में। कितनी?
3.25 करोड़। और ठाकुर जी ने जब राज किया तब ठाकुर जी कितने वर्ष के हैं? 7.5 वर्ष के। कितने वर्ष के? अभी 7.5 वर्ष का कोई बालक यहां बैठा हो उसको एक बार देखो और इमेजिन करो, ठाकुर जी इतने बड़े थे जब राज किया था। 7.5 वर्ष का बालक अपना पेंट नहीं संभाल पाता, ऐसे पकड़े घूमता रहता है। उसको इतना सहूर नहीं होता कि मुझे मुझे भोजन करके हाथ धोने, मां बताती है जा हाथ धो क्या। इतनी छोटी अवस्था है ठाकुर जी की जब राज विहार कर रहे हैं। और गोपियां बोले, कई गोपियां तो यशोदा मैया की, यशोदा मैया की भी जेठानी की उम्र की हैं, यशोदा मैया से भी बड़ी हैं जो ठाकुर जी के संग रास में आई हैं। काम लीला नहीं है रास, ये काम विजय लीला है और काम नाशक लीला है। इसको समझने के लिए ब्रज की उपासना करनी पड़ेगी, रस की उपासना करनी पड़ेगी, रज की उपासना करनी पड़ेगी, तब जाकर के रास का दर्शन हो सकता है। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ आकाश में, भगवान ने टेर बजा करके वंशी में सब कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को बुलाया और सब गोपियां जिस कार्य में हैं यथावत वहीं उस कार्य को छोड़ करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई श्रृंगार कर रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई बालक को दूध पिला रही है, कोई वस्त्र धारण कर रही है, कोई स्नान करके आई है, कोई केस सवार रही है। तो मतलब अगर केस सवार रही है और कानों में ध्वनि वंशी की आ रही है तो ये नहीं सोच रही है कि मैं केस व्यवस्थित करके फिर जाऊं। जिस जितने केस व्यवस्थित हो गए उतने केस व्यवस्थित हैं, बाकी के अव्यवस्थित केशों में ही भाग रही है ठाकुर जी के प्रति। एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं है, ठाकुर जी की वंशी धनी आ गई, इतने में ही भाग रही है ठाकुर जी के प्रति। कोई अपने बालक को भोजन करा रही है लेकिन बीच अवस्था में ठाकुर जी पुकार रहे हैं तो वो आधी अवस्था में ही बालक को दूध पिवा करके भाग रही है। एक बहुत सुंदर भाव है, इस भाव के ऊपर बहुत सुंदर भाव। मुरली सुनत भईमती अति बौरी, मुरली सुनत भईमती अति बौरी। ब्रजभाषा के शब्द, बौरी मतलब अपने अपने कंट्रोल में नहीं है गोपियों की मति। ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, निकस चली मगदारी, निकस चली मगदारी, मुरली सुनत भई अति बौरी, मुरली सुनत भई अति बौरी, नयन सिंदूर मंग अंजत है, नयन सिंदूर अंजत है, श्रवण बिजोरा साजे, शीश तरो ना माल गुहि कच्छम, शीश तरो ना माल गुहि, झुमक नाक विराजे, झुमक नाक। गोपियों की स्थिति बताई है, कोई एक कान में कुंडल पहन करके दौड़ी है, किसी ने केवल एक आंख में काजल लगाया है, कोई सिंदूर सिर पर लगाने की जगह अन्यत्र कहीं लगा करके दौड़ पड़ी है,
ऐसी अव्यवस्थित होकर के गोपियां सब वंशी धुन सुनकर के दौड़ रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी जा दिन चित्त में आ गए ना, उस दिन संभलना भूल जाओगे आप। जब तक संभलना आ गया, जब तक संभलने की स्थिति में हो, जब तक सजने की स्थिति में हो, सवरने की स्थिति में हो, समझो अभी संसार के ही हो, ठाकुर जी जादना चित्त में आ गए सब भूल जाओगे। कैसे बन के रहना चाहिए, कैसे सज के रहना चाहिए, कैसे संभल के रहना चाहिए, ये स्थितियां सब ठाकुर जी दूर कर देंगे। वो पद जिस पर आप इतने आनंदित हो रहे हैं, वो पद की गहराई सुनिए ना, बाला मैं बैरागण होंगी। क्यों? जिन भेषा मारो सांवरो रीजे, मैं सो ही भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो आप अपने तन को प्रायोरिटी नहीं देते कि मुझे ऐसे पहन करके रहना है। सेवा भाव जिसके चित्त में आ जाता है वो सजना सवरना भूल जाता है, वो केवल सेवा के लिए रहता है। फिर सेवा भाव जिसके चित्त में आ जाता है, प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके चित्त में आ जाती है, उसकी जीव फिर ये नहीं चाहेगी मैं ये खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, जो मिले बस जीवित रहने के लिए पालूं। एक प्रकार से वो अव्यवस्था में व्यवस्थित रहना सीख जाता है जिसके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं। वो एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा सुन सकता है। वो बिना पंखा, बिना एसी, बिना किसी व्यवस्था के भी एक स्थान पर अधिक समय तक विराज सकता है। ये अव्यवस्था में भी व्यवस्थित होना सिखा देते हैं ठाकुर जी। गोपियां सब दौड़ी और अव्यवस्थित स्थिति में जा रही हैं। ठाकुर जी जैसे ही नेत्र खोल करके देखते हैं तो सब गोपियां सामने खड़ी हैं। भगवान ने सब गोपियों के आने का कारण पूछा। तत्पश्चात भगवान ने 10 श्लोकों में बार बार गोपियों से कहा अपने घर वापस चली जाओ, पर गोपियां नहीं गईं। भगवान जब शांत हो गए तब गोपियों ने प्रत्युत्तर दिया कि नाथ, आप ही तो कहते हो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और हम जब सब छोड़ करके आ गई तो हमसे कह रहे हो वापिस चली जाओ। हमें व्यवचारिणी मत समझिएगा नाथ। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम आपको बाध्य करें कि हमसे मिलो, हमसे बात करो, हमें दिखो या हमें देखो। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। तत् सुखे सुखित्वम। एक बार हमें यह आश्वासन कर दो कि हमारा प्रेम स्वीकार कर लिया, उसके बाद भले ही हमें जीवन भर के लिए छोड़ के चले जाओ, हम जीवन में कभी आपके सामने नहीं आएंगे। हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिकता है, मिलन पर नहीं, दर्शन पर नहीं। लेकिन हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया, यह वचन दे जाओ हमको बस, उसके बाद फिर मुड़ के कभी हमारी ओर मत देखना, हम जीवित रहेंगे फिर भी। गोपियों का प्रेम सामान्य नहीं है बंधु। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन जाते हैं तो गोपियां कहती हैं, उद्धव वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम कृष्ण से मिल नहीं सकती, दिन में 2 बार जाके मिलके आ सकती हैं, पर हमारा प्रेम हमको अनुमति नहीं देता। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती जाएं और जाकर के नित्य उसका दर्शन करें। बिना दर्शन के भी कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो मन, रोम रोम में कृष्ण विराजमान है उद्धव। हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि हम उनसे मिलें या उनको यहां खींच के लाएं या बार बार अपने एहसान बताएं, हमने उनके लिए ऐसा किया ऐसा किया और तुम हमें छोड़ के चले गए। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है उद्धव। हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिका है, जीवन भर कृष्ण लौट करके नहीं आए तो भी हम उनसे ही रहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उन्हीं की रहेंगी। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं प्रेम कैसा, बोले ब्रज की गोपियों जैसा, यथा ब्रज गोपिका नाम। ठाकुर जी
गोपियों की बात सुनते हैं और फिर गोपियों से कहते हैं, अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था आप सब की, आओ चलो हम रास करते हैं। और ठाकुर जी गोपियों के संग रास करने लगे, एक एक गोपी के पास जाकर के ठाकुर जी उसकी सुध लेने लगे, किसी के रूप का वर्णन करने लगे, किसी के चरण पकड़ने लगे, किसी को किसी के वस्त्र में ठाकुर जी स्वयं बैठने लगे, किसी को अपने हाथ से पवाने लगे। और इन सब क्रियाओं की वजह से गोपियों को मान हो गया कि हम अत्यंत सुंदरी हैं, इसलिए हमारे सौंदर्य पर ठाकुर जी मोहित हो गए। बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर भी ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी को यह चिंता है कि मेरे प्राकट्य से इसके चित्त में यह मान ना आ जाए कि मैंने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी को हमारी चिंता है कि कहीं इसको अभिमान ना हो जाए। अरे हम दो चार कथा क्या सुन लेते हैं, दो चार कथा सुना क्या देते हैं, तिलक लगा करके कुछ दिन रह क्या लेते हैं, हमको इसी से मान हो जाता है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, हमारे हाथ से पाने लगे, हमसे श्रृंगार कराने लगे, हम तो ढिंढोरा पीट देंगे पूरी दुनिया में, मान करेंगे कि हमारी भक्ति की सामर्थ्य देखो ठाकुर जी प्रकट कर दिए। इस भय के कारण ठाकुर जी प्रकट नहीं होते कि कहीं इसको मान ना हो जाए, क्योंकि गोपियों के चित्त में मान हो गया। और जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी सर्वांगीण गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। और ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही गोपियां विचलित हो गई। हे श्याम सुंदर, मधुसूदन, माधव, गोपीनाथ, गोवर्धन, कहां हो आप? अर्धरात्रि का समय, विहंगम जंगल, गोपियों को छोड़ करके ठाकुर जी चले गए। अबला नारियों की तरह सब गोपियां ढूंढ रही हैं कि श्याम सुंदर कहां है। प्यासे को एक घूंट पिला करके पानी दूर कर दिया जाए तो वो प्यासा तड़प करके मर जाएगा, वैसी स्थिति गोपियों की हो गई। तभी गोपियां यमुना तट पर गईं, किशोरी जी का दर्शन किया, चरणों में गिर गईं, बोले हे श्याम सुंदरा, हे किशोरी जी, कहां चले गए श्याम सुंदर? आप कृपा करो ना, ये श्याम सुंदर हमें बहुत परे, हम कब से प्रतीक्षा कर रही हैं, सतयुग निकाल दिया, त्रेता निकाल दिया, संपूर्ण द्वापर भी निकलने को आया है, जैसे तैसे गोपी बनकर के आई है, आज इतने वर्षों इतने युगों बाद मिले हैं और फिर अंतर ध्यान हो गए, छोड़ के चले गए, हम कब तक उनका प्रतीक्षा करें, कब तक तड़पती रहें? हे स्वामिनी जी, आप कृपा करो। किसी के चित्त में यदि तीव्र उत्कंठा हो भगवत प्राप्ति की और वो सब प्रकार के साधन करके हार चुका हो, ठाकुर जी नहीं कृपा कर रहे हो, हमारी श्री जी की शरणागति ग्रहण कर लो, किशोरी जी की शरण में चले जाओ, लाल जी रोज दर्शन देंगे, किशोरी जी की शरणागति जिसको हो जाती है लाल जी नित्य दर्शन देते हैं उसको। कितने ऐसे भक्त हुए हमारे ब्रजमंडल में, कृष्ण 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 जपते रहे, ठाकुर जी ने अनुग्रह नायक की हो, लेकिन जैसे ही करुणामयी हमारी श्री राधा रानी को भजनों प्रारंभ कियो, सो ही ठाकुर जी प्रकट है गए और ठाकुर जी वाकु दर्शन देने लगे, अनुभव कराने लगे। पर श्री जी को भजवे के काजे शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध विचारधारा, शुद्ध बुद्धि बहुत आवश्यक है। विकार युक्त होकर के आप श्री जी को भजोगे तो श्री जी की सब सखियां आपको उन तक पहुंचने नहीं देंगी, इसलिए बिल्कुल निर्विकार शुद्ध अंतःकरण कर लो, सहज भाव चित्त में धारण कर लो, श्री जी को भजो, दोनों युगल मिलेंगे, कृपा करेंगे। सब गोपियों को किशोरी जी ने दृष्टि भर के देखा और सब गोपियों ने गोपी गीत का गान किया।
जयते तेधिकम जन्मनाब्रज श्रयतन्दिरा ससदत्रहि दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सव स्त्वां विचन्वते शरदुदाशय साधु जात स सरसी जो धर शीमुषादृश सुरतनाथ ते अशोक दास का वरदने घ्नतो नेह किं वध गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत के पूर्ण होते ही गोपियां रुदन करने लगी और तभी भगवान श्री कृष्ण उन सब के मध्य प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। जो गाए गोपियों ने गोपी गीत गाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने सब गोपियों के साथ में महारास किया।